आशीष गुप्ता की किताब कालूकागा का पार्ट 3। गहरे कुएं के ऊपरी छोर से आहट सुनने के बाद कुएं में ही उपस्थित झीलू और हरी दोनों एक दूसरे को एक टक देखते रह जाते हैं और चुप होकर यहां वहां ताकने लगते हैं। धीरे धीरे आहट तेज होने लगती है और सरसराने की आवाज में तब्दील हो जाती है। तब दोनों मेंढकों की नजर कुएं के ऊपरी छोर पर जाती है। तब ये दोनों देखते हैं कि एक भयंकर सांप सरसराकर उन्हीं दोनों की ओर तेजी से बढ़ता हुआ कह रहा है कि वाह, डबल धमाका, मेरे दोनों अनमोल रतन, आओ मैं तुम दोनों को अपने पेट में ही सारा संसार दिखा देता हूं। दोनों मेंढक कालू से बचने के लिए काफी देर तक कुएं के अंदर ही काफी इधर उधर फुदकते रहते हैं और कुएं से बाहर निकलने की जीतोड़ कोशिश करते हैं, पर अफसोस उनकी सारी कोशिशें असफल रह जाती हैं और कालू सांप एक एक करके झीलू और हरी दोनों को ही अपना निवाला बना लेता है। इसके पश्चात कालू डकार लेते हुए कुएं से बाहर जाकर एक बड़े से पेड़ की जड़ के नीचे बने बिल में घुसकर प्रसन्न मन सो जाता है। दरअसल ये पेड़ उन्हीं पहाड़ियों के पास स्थित रहता है जिन पहाड़ियों के पास कागा कौवा अपने विशाल झुंड के साथ निवास कर रहा होता है। इन्हीं पहाड़ियों में से अपने झुंड के साथ निवास कर रहा वही नालायक कौवा कागा पूरी जवान हो चुका है और अपने अलग ही वर्चस्व को बनाना चाहता है। अब बात यदि उसके कदकाठी की करें तो भगवान ने उसे अन्य पक्षियों की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही विशाल कदकाठी से नवाजा है, जिस बात का उसे घमंड है, जो उसके लिए सही नहीं है। खैर, घमंड तो किसी भी व्यक्ति के लिए सही नहीं है। कागा का यह घमंड उसके पक्षी समूह के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि अपने विशाल कदकाठी और ताकत के घमंड के चलते अब कागा खुद से बुजुर्ग पक्षियों को तुच्छ समझकर खुद को मुखिया कहलाने का दावेदार समझने लगता है। दुख तो इस बात का है कि एक दिन कागा ने तो हद ही पार कर दी। वह अचानक उड़कर कांव कांव करते हुए भरी सभा के बीच जा पहुंचा और ऊंची आवाज में पक्षियों के मुखिया गिद्दू गिद्ध से बोला, मुखिया, अगर आप मुखिया पद पर बने रहना चाहते हैं तो आपको मुझसे युद्ध करके मुझे हराना होगा, अन्यथा आपको मुखिया के पद को मुझे सौंप कर संन्यास ले लेना चाहिए। कागा की यह मनसा जानकर वहां उपस्थित मुखिया गिद्धोगिद्ध, कागा का बचपन का मित्र ग्रीनी तोता और शिक्षक भोला हंस जैसे सभी वरिष्ठ सदस्य अचंभित हो जाते हैं। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। कुछ देर बाद ग्रीनी तोता कागा से कहता है, मित्र, ये कैसा वर्ताव है, तुम मूर्ख क्यों बनते हो? वहां उपस्थित सभी पक्षी ग्रीनी तोता की हां में हां मिलाते हैं। तब कागा ग्रीनी को धक्का देकर आगे बढ़ जाता है और गिद्धू की ओर एक टक देखने लगता है। यह देखकर शिक्षक भोला हंस भी बोल पड़ते हैं, यह क्या कागा, तुम तो बड़े ही बदतमीज हो गए हो। शिक्षक की बात सुनकर कागा बोला, शिक्षक महोदय, आप बीच में ना ही बोले तो उचित होगा। फिर भी शिक्षक हंस कागा से कहते हैं, मुखिया पद ऐसे ही नहीं प्राप्त हो जाता, सभी का भरोसा जीतना पड़ता है, लोक हित में निरंतर कार्य करना पड़ता है, मात्र बड़े कदकाठी के चलते मुखिया का पद प्राप्त नहीं होता। भोला की बात सुनकर कागा आंख बबूला हो जाता है और भोला को भी धक्का दे देता है। कागा की हरकत देखकर मुखिया गिद्धोगिद्ध से रहा नहीं जाता, वह आकर कागा के सामने खड़ा हो जाता है। खुद से लंबे चौड़े शरीर वाले गिद्ध को गुस्से में देखकर कागा के पेशाब छूट जाती है। फिर भी मुखिया गिद्धू कागा को सबक सिखाने के लिए एक जोरदार तमाचा कागा के मुंह पर दे मारते हैं। कागा औंधे मुंह गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब कागा को होश आता है तो मात्र ग्रीनी तोता को अपने सामने पाकर कागा कौवा खुद को अकेला समझ बैठता है और उदास होकर ग्रीनी तोता से कुछ कहे बिना ही बड़ी ही रफ्तार से उड़कर कहीं दूर चला जाता है। ग्रीनी तोता फटाफट जाकर ये बात गिद्धू गिद्ध को बताता है। गिद्धू गिद्ध ग्रीनी से कहता है, कागा की चिंता तो मुझे भी है, पर कोई बात नहीं, वह झुंड से ज्यादा दिनों तक अलग नहीं रह सकता, तुम निश्चिंत होकर अपने काम में लग जाओ, कुछ दिनों में वह मूर्ख कौवा अपने आप ही वापस आ जाएगा। मुखिया की बात सुनकर ग्रीनी अपने काम में लग जाता है। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब मैं अपना बड़ा झुंड खुद बनाऊंगा और राज करूंगा। ये सोचते हुए कागा कौवा एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाता है। ये वही पेड़ होता है जिसकी जड़ के नीचे कालू नाम का भयंकर विषैला सांप आराम कर रहा होता है और कागा की आहट पाकर कालू सांप की नींद तोड़ जाती है। वह भयंकर विषैला सांप
बिल से बाहर आ जाता है।